नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्नैक ऑफ कॉर्बेट विद सीएस कश्यप में। सेव द स्नैक एंड वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी रामनगर की ओर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सन 2022 आप सभी के लिए मंगलमय हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेव द स्नैक संस्था हमारी सांपों को सुरक्षित आबादी से निकाल के घने जंगलों तक पहुँचाने का कार्य करती है। इसी कड़ी में आज भी नववर्ष के दिन ग्राम छोई में से एक रेड स्नेक, जिसे स्थानीय भाषा में घोड़ा पछाड़ और धामन सांप के नाम से जाना जाता, को रेस्क्यू किया गया। तो यह सांप किसानों का दोस्त और विषहीन होता है, जिसके अंदर जहर नहीं होता, किंतु लोगों को जानकारी ना होने के कारण इस सांप से भी भय हो जाता है। डर के कारण लोग इस सांप के प्राण ले लेते हैं। कृपया सांपों को मारने या उनके ऊपर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया ना करें। उनके लिए किसी विशेषज्ञ या किसी एक्सपर्ट को बुलाकर वन विभाग की सहायता लेकर उसे उसके मूल स्थान जंगलों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सेव द स्नेक संस्था इस कार्य में लगातार जुटी है। आप सभी का योगदान भी हमारे लिए अधिक आवश्यक है। आप हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी संस्था से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे 9832703105 के नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सांपों से जुड़े किसी भी प्रकार के भ्रमों को या आवश्यक कार्य हेतु या स्नेक बाइट ETC रेस्क्यू तक के कार्यों के लिए आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। संपर्क स्थापित होते ही सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप जी यहां पर आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। साथ ही आपको बताते चले, भारत में अधिकतर सांप विषहीन बिना जहर के पाए जाते हैं। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी अनेकों सांप पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ ही विषैले हैं। आधे से ज़्यादा सांपों में जहर नहीं होता है, इसलिए सांपों को ना मारें, उन्हें बचाएं। कॉर्बेट के सौंदर्य वन्य प्राणियों की रक्षा करें, सांपों को बचाने में हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।